नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फ्लाइटर्स में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इंडिगो की फ्लाइट में एक विवाद सामने आया है जिसमें यात्रियों पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप है। इंडिगो की जिस फ्लाइट में ये घटना हुई है वे दिल्ली से पटना आ रही थी और एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पर तैनात SHO रॉबर्ट पीटर ने नशे के धुत में यात्रियों को गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों इंडिगो की फ्लाइट में सवार थे। आपको बता दें कि हाल ही में 5 जनवरी को गोवा मुंबई फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया था। 2 विदेशी नागरिकों ने क्रू मेंबर के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। दोनों को गोवा में ही उतारकर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। एयरलाइंस ने मामले की सूचना DGCA को दी थी। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर पश्चिमी भारत घने कोहरे और भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी 200 मीटर भी कम दिखाई दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही बता दें कि मौसम एजेंसी के मुताबिक अगले कुछ दिन पंजाब, हरियाणा और यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जबकि राजस्थान और हिमाचल में प्रदेश में भीषण शीतलहर भविष्यवाणी की गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में सरकारों ने स्कूल को छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। वही बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से सरकार ने इस मामले को लेकर छुट्टियां जो है स्कूलों की वो बढ़ा ली है। उन्नाव में बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें बस और DCM में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं एक की हालत गंभीर देखने को मिली है। उन्नाव के जिला अस्पताल भेजा गया सभी को, और इस दौरान हादसा देर रात का बताया जा रहा है, जब बस गुजरात से नेपाल जा रही थी। इस दौरान बस DCM से टकरा गई और इस दौरान तमाम लोग घायल हुए हैं इस सड़क हादसे में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन शर्मा संवाददाता उन्नाव से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ मामला है ये, किस तरीके से ये हादसा हुई है, विस्तार से बताएं। विपिन, आवाज आ रही है आपको? और बता दें आपको कि, और विपिन को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही बता दें आपको कि एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, और आपको बता दें कि यहां दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये दर्दनाक घटना हुई है। और विपिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से ये हादसे का ये मामला सामने आया है, एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ मामला है और इस दौरान कितने घायल बताए जा रहे हैं और कितनों की मौत हुई है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि घटना और सारा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई है, और इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं, जिसको सभी घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। विपिन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है इस घटना का? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दे रखी है कि 24 घंटे लगातार कोहरा रहेगा और अलर्ट जारी कर रखा, और भारी कोहरा के बीच में जो गाड़ियां हैं वो निकल रही, इसके बाद ये कोहरे के चलते लोगों को दिखा नहीं, इसके चलते जो बस है वो पीछे से DCM में टक्कर मारती है, उसके बाद हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है और घटना में घायल तो सभी घायलों को जिला अस्पताल लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया और एक घायल को उन्नाव रेफर किया गया। जी विपिन, जिस तरीके से ये बस और DCM की जो भीषण भिड़ंत हुई है, इसको लेकर क्या चालक पर कोई कार्रवाई हुई है, प्रशासन क्या पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर?
बिल्कुल आपको बता दें, घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की तफ्तीश कर रही है कि घटनाक्रम किस तरह का हुआ है, और जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है विपिन, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी। और एक्सप्रेस वे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 की मौत हो गई है और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इस मामले को लेकर विपिन आप नजर बनाए रखें, और ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला है जहां पर एक्सप्रेस वे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। वही कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रही है। आलम यह है कि प्रदेश में कई इलाके कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिसके लेकर उन्नाव जिले में मौसम विभाग ने 78 घंटे तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। और जिले में भीषण गलन होने के बाद भी लोगों के बीच अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर लोग अपने निजी संस्थान बता दें कि निजी तरीके से अलाव का व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं, और सर्दी से बचने की लगातार लोग कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन ने भीषण ठंड में अलाव की व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर लोगों को खासा नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक के लिए छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। लकड़ी नहीं मिलती है, लकड़ी सिर्फ कहते हैं मंदिरों के लिए आती है बस, हमारे पास यहाँ नहीं, खाली मंदिर के पास वहाँ डालते हैं, इसी आश्रम को है नगर के पास, और यहाँ आश्रम गेट पर कोई लकड़ी नहीं मिलती। अधिकारी कह रहे हैं सभी चौराहों पे हम लोग लकड़ी भेज रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं पड़ती है, नहीं यहाँ नहीं लकड़ी गिरती है। तो आप लोग मांगते हैं तो ड्राइवर कहता है नहीं, वहाँ के लिए नहीं है, यहाँ मंदिर के लिए भेजी गई है। आप लोग कहाँ से व्यवस्था करके कैसे? भैया मांग मूंग लकड़ी अपनी कैसे एक दो खरीदी है कुछ, वो और 10 रुपए किलो मिलती है, वही जला के बैठे कुछ मांग लेते तो बस अपना। सरकार से किस तरह की हमें कोई सुविधा नहीं, सरकार से रहे यहाँ तक की राशन तक की सुविधा नहीं है। नाम है आपका? रीना। रीना जी, आप जो आग जला रही है लकड़ी नगर पालिका से मिली है या आपकी? नहीं हमारी है, हम खरीद के लेके जला रहे हैं। कितने रुपए किलो लकड़ी? ये हमें 10 रुपए किलो लेके जला रहे हैं। अच्छा, और नगर पालिका की तरफ से लकड़ी की व्यवस्था ही नहीं की गई क्या इस बार? नहीं, नगर पालिका ने क्या कहा लकड़ी? नगर पालिका वाले अभी इधर आए ही नहीं रहे, उधर ले उस पट्टी में डालते हैं, इस पट्टी में डालते ही नहीं है आके ना। पप्पू जी, लगातार कड़ाके की सर्दी है और ठंड भी भीषण पड़ रही है, ऐसे में नगर पालिका की तरफ से लकड़ी की क्या सुविधाएं की गई हैं? कोई सुविधा नहीं की गई। आप लोग जो आग ताप रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, ये लकड़ी कहाँ? ये भैया लकड़ी खरीद के ला रहे हैं, हम लोग खरीद के जला रहे हैं, कोयला खरीद के ला रहे हैं 45 रुपए किलो। देखिए दिक्कतें बहुत हो रही है, ठंड देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ठंड कितनी भयानक पड़ रही है, पूरी देखिए हर आदमी कहाँ पर आप ठंड में इतनी भयानक ठंड पड़ रही है, और किसी प्रकार कोई सुविधा नगर पालिका से कोई नहीं मिल रही है। हम लोग लकड़ी खरीद कर ताप रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे सामने लकड़ी जल रही है, हम लोग घर के सामने लकड़ी से बिन के हैं ताप रहे हैं, खरीद के लेके आए ताप रहे हैं। कहना ये है कि देखिए प्रशासनिक तौर पर भी कोई किसी प्रकार की सुविधा आदमी को नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले क्या था कि लकड़ियाँ पहले आवंटित होती थी, इस बार लकड़ियाँ अभी आवंटित नहीं की गई हैं, बहुत ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और लगातार बता दें कि उन्नाव में ठंड का कहर लगातार जारी है, और बता दें इस दौरान लोगों को अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की गई है नगर पालिका प्रशासन की तरफ से, और साथ ही जिसके वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और विपिन शर्मा हमारे साथ एक बार फिर इस मामले पर जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से इस ठंड के कहर के बीच में लोगों को अलाव की व्यवस्था लोगों के बीच नहीं है, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से यह अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन सरकार के तरफ से तो सख्त हिदायत दी गई थी कि अलाव की व्यवस्था तमाम जगहों पर की जाए, लोगों में कितना आक्रोश है? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ठंड बढ़ते ठंड को लेकर हाई अलर्ट मोड पे हैं, और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो व्यवस्था करें। लेकिन उन्नाव जिले की बात करें तो उन्नाव जिले में ठंड का प्रकोप जारी है, हार कपाऊ ठंड के बीच जो लोग हैं अलाव की सुविधा नहीं हो पा रही, जिसके चलते लोग निजी संसाधनों से अपने पैसों से लकड़ी और कोयला खरीद कर आग ताप रहे हैं, आग से बचाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पालिका प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो पालिका प्रशासन जो है
मुख्यमंत्री के आदेशों को पूरी तरीके से हवा हवाई कर रहे हैं और लगातार बात अगर करते हैं तो ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी जो पालिका प्रशासन है अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं कर सका है। जी विपिन, काफी शर्म की बात है कि सरकार की तरफ से सख्त हिदायत देने के बाद भी अधिकारियों की तरफ से लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं इसको लेकर अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र में तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां पर चिन्हित किए गए हैं कि लकड़ी व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन पालिका प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि किसी भी चौराहों पर कहीं भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग हैं अपने निजी संसाधन से अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और ठंड से बचने का तरीका अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठंड को लेकर लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल विपिन, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये ठंड का कहर जारी है और लोगों को अलाव का व्यवस्था भी खुद करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारियों के लिए काफ़ी शर्म की बात है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अलाव की व्यवस्था को लेकर सख्त फरमान दिए थे, निर्देश दिए थे, इसके बाद भी अधिकारी तस्त मस्त नहीं हुए और इस दौरान लोगों को इसको लेकर अलाव की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ी है। लोगों में तमाम आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन विपिन, अब सवाल ये उठता है कि इस मामले को लेकर अब अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये देखना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुक्रिया आपका विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्नाव की ये तस्वीर आपको दिखा जा रहे हैं जहां पर लगातार सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो है वे बंदरबाट करते नजर आते हैं और अलाव की व्यवस्था भी नहीं लोगों के लिए की जाती है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लोगों ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया है। अब खबर फिरोजाबाद से है जहां पर रेन बसेरे को लेकर प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। और साथ ही बता दें कि इतना प्रशासन लापरवाह होता है कि लोग सड़क किनारे सोने को मजबूर हो जाते हैं। बता दें कि यूपी में इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के सितम में हर एक गरीब को बचाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रत्येक तहसील में रेन बसेरे बनाने के लिए आदेशित किया गया है। लेकिन फिरोजाबाद के टुंडला नगर में एक रेन बसेरा के अलावा कोई रेन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण लोग सड़कों के किनारे खुले में सोने को मजबूर हैं। यह तस्वीर फिरोजाबाद के तहसील टुंडला नगर की है जहां पर दर्जनों लोग हाड़ गलाने वाली सर्दी में सड़क किनारे सोने को मजबूर दिख रहे हैं। इसी वजह से पूरे टुंडला नगर में एक रेन बसेरे के अलावा कोई दूसरा रेन बसेरे की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण साधु संत से लेकर कई गरीब भीषण सर्दी में भी खुले में ठिठुर कर रात बिताने को मजबूर है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर्दी में गरीबों को बचाने के लिए प्रत्येक तहसील में रेन बसेरे बनाने के आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनवरी महीने में 8 दिन बीतने के बाद भी नगर दूसरे रेन बसेरा नहीं बनवाया गया है। जबकि प्रत्येक वर्ष रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्टेशन रोड स्थित प्राइमरी स्कूल में नगर पालिका और तहसील प्रशासन के द्वारा गरीबों के लिए रेन बसेरा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार भीषण सर्दी में भी नगर पालिका और तहसील प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह नजर आ रहा है, जिस कारण दर्जनों यात्री और साधु संत अपने संस्थान बता दें कि माध्यम से सड़कों के किनारे सोने को मजबूर दिखे हैं। व्यवस्था एक ही व्यवस्था है वो बड़े चौराहे पर है, भाजपा की एक रेनोवेशन यहाँ लगता था पहले कई साल से लगता था, मगर इस बार वो बंद कर दिया गया है और ये प्रशासन की बहुत बड़ी एक भूल है। और बुजुर्ग वगैरह जो लेटे हुए हैं काली माता मंदिर पे और भी कई जगह लेटे हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह बाहर भी लेटते हैं, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। एक व्यवस्था यहाँ पहले ऑलरेडी थी तो उसको तैयार करना चाहिए, और दूसरी व्यवस्था के लिए जगह जगह सरकार द्वारा अगर ये मुहिम चलाई जा रही है तो इस पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
जहीर खान जी, इस बार जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस रेलवे परिसर में कोई रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है? अभी कोई व्यवस्था नहीं की है और खूब कड़ाके की सर्दी है, पर ना लोग भी सोते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। तो यहाँ कहीं खुले में लोग सोते रहे यार? अभी आए के सोते हैं, इधर मंदिर पास में, उसके पास में भी सोते हैं। अच्छा, तो क्या हर बार यहाँ पे रैन बसेरा बनाया जाता था? हाँ, कभी बार बना लेते हैं। अब दो चार साल, दो एक साल से नहीं देख रहा हूँ मैं, पिछले साल में नहीं देखा और अब कभी नहीं देखा। और देखा आपने तस्वीर, किस तरीके से रेन बसेरे की व्यवस्था भी नहीं की गई लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोगों में एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि रेन बसेरे की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस गलन वाली सर्दी में भी लोगों के लिए रेन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बैंक करते हुए, बता दें कि बैंक करते हुए समय बिजली खंभे से टकरा गई, जिसलिए बिजली पोल टूटकर एक किशोर के ऊपर गिर गया। इस घटना में किशोर की मौत हो गई है। घटना के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और आपको बता दें कि सांडी थाना क्षेत्र के निभापुर गांव निवासी लकी घर के बाहर था और गांव में इंटरलॉकिंग लगाए जाने के काम चल रहा था। यहां पर ईंट उतारने आया चालक ट्रैक्टर ट्रॉली बैक कर रहा था, जो कि विद्युत पोल से टकरा गई। जोरदार टक्कर लगने से विद्युत पोल टूटकर किशोर के ऊपर ही गिर गया, जिससे किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं CO बिघौली विकास जायसवाल ने बताया है कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और वहीं फरार चालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में निभापुर गांव के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्राली बैक करते हुए एक विद्युत पोल से टकरा गई। दुर्घटनावश एक पोल गिरने से इस बच्चे की मृत्यु हो गई है। 9 वर्ष का बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है और वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त करके उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। चूँकि ट्रैक्टर चालक पहले ही फरार हो गया था, तो उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। काम वगैरह चल रहा था ग्राम में, क्या था? कुछ ईंट वगैरह उतार रहे थे ट्रैक्टर से। ट्राली आ रही थी, ट्राली टकराई खंभे से, खंभा टूटने से भतीजे की मौत हो गई। उन्नाव में मरोवा थाना क्षेत्र के गांव में खेत में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना लिया है, जिसके बाद से वीडियो वायरल हो गया है। तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं तेंदुए को भगाने के लिए ग्रामीणों ने रात में मशाल लेकर खेतों में निकले और करीब 100 से अधिक ग्रामीणों ने मशाल जलाकर खेतों में, बता दें कि पहरेदारी की है। लोग ग्राम प्रधान की अगुवाई में मशाल जलाकर अपने खेत में पहुंचे। वहीं इस मशाल की यात्रा में वन विभाग कर्मी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ में आया है। झांसी के RH वेतवा नदी में वैध खनन को लेकर और अवैध खनन जोरों पर जारी है। इसके बाद भी बता दें कि तहसील पनडुब्बियों ऑपरेशन की नदी में डूबने की चर्चा की जा रही है। वहीं गायब हुए जिला जालौन का निवासी राज बहादुर की तलाश लगातार जारी है। गायब हुए ऑपरेशन के परिजन तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं बड़ा सवाल यह है कि अवैध खनन लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर मौन नजर आता है। लेकिन जब छापेमार कार्रवाई करने वाले पुलिस पहुंची तो वहां कार्यरत 3 लोग नदी में कूद गए। घटना के बाद से प्रशासन भी हाथ पांव फूलते नजर आए हैं। वहीं निरंतर गायब हुए ऑपरेशन की तलाश में प्रशासन गोताखोर लगे हुए हैं, लेकिन गायब हुए शख्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर बता दें कि धान क्रय केंद्रों के प्रभारियों से घूस लेने का ये आरोप लगा है। और साथ ही ये मामला आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ही दिन पहले सांसद निधि को लेकर, बंदरबाट को लेकर ऑडियो ने जिले के कई बड़े अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। वही आज एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जिले के आला अधिकारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो
जिला पीसीएफ अधिकारी अंजना नायक का है, जिन्होंने जिले के सभी धान क्रय केंद्रों में 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से क्रय केंद्र प्रभारी रिश्वत के लेने को बताया है। जब ये क्रय केंद्र प्रभारी अंजना नायक की आदतों से परेशान हो गए तो किसी ने उनको घूस लेने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस वायरल वीडियो में ये साबित कर देता है कि योगी सरकार कितना भी जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, लेकिन जिन अधिकारियों को घूस लेने की लत पड़ चुकी है वे कभी अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे। सरकार कितना भी सख्तियां क्यों ना करे, लेकिन उन्हें रिश्वत लेनी है तो लेनी है ही। और ये तस्वीर ये बात साझा कर रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के तहसील बिल्ली विकास खंड बसौली के ग्राम कोट में खुदाई के दौरान मूर्तियां निकलने की सूचना के बाद तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू है। इधर पूरे मामले में सूचना ग्राम प्रधान के आला अफसरों को दी गई तो मौके पर पहुंचे नायब तहसील बिल्सी की टीम ने खुदाई को रोकते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके बुजुर्ग बताते थे कि कभी यहाँ पर राजा शालिवाहन का शासनकाल हुआ करता था। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को मिट्टी खुदाई की जा रही थी कि इसी बीच यहां कुछ देवी देवताओं के प्राचीन मूर्तियां मिली है तो कुछ बता दें कि तहस नहस हो चुकी है। चूंकि खुदाई में मूर्तियां मिलने की चर्चा उठी तो चारों ओर फैल गई। कोई कह रहा है कि राजा शालिवाहन शासनकाल में चांदी तांबे पीतल और कांसे की सिक्के बहुमूल्य मूर्तियां होती होंगी, तो कोई इस बात को कह रहा है कि राजा शालिवाहन शासनकाल के समय यहां चित्रकार मूर्तियां बनाते थे। जो मूर्तियां निकाली है वो गांव के ही एक देवस्थान पर रखवा दी गई है, जबकि एक अन्य मूर्ति ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।